स्पेशल रिक्वेस्ट आई है आप में से किसी एक बंदे ने, बड़ा ही स्वीट कमेंट किया। मैं बड़े कम पढ़ती हूँ, बट जब मैं ऐसे पढ़ती हूँ ना मैं बड़ी खुशी होती है। तो उन्होंने बोला कि भैया बहुत टाइम हो गया लैला को नहीं दिखाया आपने। लैला भाई, लैला मन की मालिक है, यहीं होती है आसपास। अब देखो ये करेगी, मैं इसको हाथ में लगाऊंगा। आधा टाइम तो ये होता है कि हम इसको नीचे से आते हुए बोलते हैं लैला चलो, तो आधा टाइम तो ये ऐसे होती है कि जाओ जाओ जो करना करो, मैं नहीं आ रही। देते हैं इसको, लेट्स गिव हर सम स्पेस टू सेटल डाउन। नहीं हाथ नहीं लगाना फिर ये गलत बात है ना, फिर गलत हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। ओ भाई मुझे टेढ़ा बैठना पड़ेगा और मैं मोटा लगूंगा, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ भाई तो वेलकम है आपका, पता लग गया होगा, देखते हैं फिर। जोक ऑफ आरसीबी। अच्छा पहले बता दे कि हम दोनों ना क्रिकेट देखने वाले लोग हैं नहीं, जो लोग आरसीबी के फैन है ना उन लोगों का बड़ा ट्रोलिंग की जाती है क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं, टीम भी वैसी है क्योंकि विराट कोहली है, लोगों की सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। मगर वो हार जाती है और फिर जब हारती है तो फिर जो लोग दूसरी टीम्स के वाले हैं वो उनको मजे लेते हैं उनके, तो आरसीबी वालों को काफी मजाक उड़ाया जाता है ना। मतलब आई एम नॉट वेरी मच इन टू इट बट मुझे पता है ये सब थोड़ा बहुत, तब भी इसको ये सब कुछ पता है। चलो क्या बोलते थे, हैं हारसीबी हारसीबी है हाटा हाँ, तो ये कि अब हो गई महारसीबी महारसीबी, अभी तो एक कप आया, अभी तीन और आ जाएंगे तो हो जाएगी चार सीबी। ओह शिट, सपने में होगी चार सीबी, ले लेना। नहीं क्या लेना, ले लिया। कल कोहली ने कप उठाया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, स्वयं इंद्रदेव का सिंहासन डोल उठा, समस्त नर नारी सुर असुर देवता मनुष्य मुनि गंधर्व किन्नर प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। पूरा ब्रह्मांड श्री श्री 18 विराट कोहली जी की वीरता का गुणगान गा रहा है, आंसू बह रहा है। कल पूरा देश रोया, मोदी जी भी रोए अपने मोर के साथ। हम तो नहीं रोए, हाँ क्योंकि तुम निर्मम दिल पत्थर काले इंसान हो, जलते हो कोहली से, रोहित की औलाद हो। हाँ ठीक है, ज्यादा उछलो नहीं, एक ही आईपीएल जीता, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया कोहली ने। तीर नहीं मारा लेकिन छक्का तो मार दिया तुम्हारे मुंह पे। पूछा करते आईपीएल ट्रॉफी तो सुन लो, गोल्डन चमकीली चमकीली जीतता है तुम बेटा, कोहली कोहली कर रहे हो, एकदम पगलाए पड़े हो कल से। खाने को नहीं दे जाएगा कोहली, खाने को नहीं दे जाएगा। हाँ, तो खाना ये बनाएगा। बंदूक से निकली गोली है कोहली, वीरों के माथे की रोली है कोहली। वाह, बरसों तप करके जो मिला आशीर्वाद, उस आशीर्वाद से भरी हुई झोली। क्या मारा है बंदे ने, ये पगला गया, पगला गया सही बात। तो असली फैन है नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या रो रहे हो, क्या रो रहे? धोनी, ये धोनी का फैन है, आई क्यूट है बच्चा। अब आईपीएल नहीं खेलेगा क्या? अरे यार उससे पूछा था कि हाँ क्या बताएं, इनका तो अलग चलता रहता, भूपा नहीं बंद होता लोगों का। अंकल जी को कुछ नहीं आईडिया, मेरी तरह चिक चिक नहीं खेलेगा। दिल तोड़ दिया उसका। आईपीएल में ये कहते हैं, अरे भूपा छोड़ो, कह रहे राम खिलावन चाचा को बता जा। क्या बताना था चाचा, 100 साल उम्र हो तुम्हारी, अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता, जिंदगी कोई भरोसा नहीं, कोई भी कभी भी मर सकता है। बोलो यार। हाँ तो हमारे कहीं ना मरे जा रहे हैं क्या है? अरे वो छोड़ो, चाचा कल फाइनल देखा कि नहीं देखा? चाचा की चड्डी देख। अरे जानते हैं आरसीबी हार गई। हार गई? अरे चाचा काहे नहीं देखा, मिस कर दिया। अरे देखो हमारे पहले दो हार्ट अटैक आ चुके हैं, अब ये बता के कि क्या कि हुआ कल आरसीबी फाइनल जीत गई है या नहीं, हमको तीसरा हार्ट अटैक ना दिलाओ। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आरसीबी जीत गई? हार्ट अटैक? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अबे कोई तो कुछ करो। सॉरी नहीं जीती यार, जीत पनौती टीम कहाँ जीत जाएगी, नहीं जीती है। अबे अब तो हार्ट अटैक आ रहा है। तो अच्छा हुआ ना आपके 70,000 रुपए आ गए खिलाड़ी.com वाले। खूब पैसा जीत गए। लॉटरी लग गई। क्या ये खिलाड़ी.com का है, मजाक कर रहे हैं इनके साथ? मजाक नहीं, सही कह रहे, खिलाड़ी.com है इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ज्वाइनिंग बोनस मिलता है ना क्रिकेट का, बता रहा है कि भैया हार्ट अटैक इज स्टिल गोइंग ऑन। हां और इसमें फास्टेस्ट विड्रॉल होता है, सबसे तेज खिलाड़ी हो। देखो ये जो दोनों बातें कर रहे हैं ना, इनकी टीशर्टों के प्रिंट देखो कितने सुंदर बने। शर्म तो नहीं आ रही होगी, हम मर रहे हैं, हमको बचाने के बजाय एडवर्टाइज कर रहे हो। एडवर्टाइज कर रहे हो? अरे नहीं,
नहीं बता रहे थे, बता रहे थे नरक में सड़ोगे। अंकल टाइम तो आपका आ गया। कोहली जैक कोहली गया। ओह मकार्सी गेम ओवर, गेम ओवर, बहुत बुरा हुआ। शिट मैन, अभी कहा था चाचा बड़ी लंबी उम्र है। तो क्या तेरी कभी उम्र सकते हैं। सही बात है, सही बात है। पिछले साल तो ही ऐसा ट्रोल किया था कि पुल शॉट मारना भूल गया था बेचारा। क्या मारना भूल गया था? आरसीबी आरसीबी करते थे, मरे तो जय कोहली करके मरे। रो मत, रो मत, रो मत। आज ये आरसीबी फैन ने अपने प्राण आरसीबी के लिए न्योछावर करती है। देख लो इनकी कहानियां। ये त्याग युगो युगांतर तक याद किया जाएगा। भाई कौन सा कैरेक्टर है यार ये? ये मरे नहीं है। अच्छा पैदा भाई, ये शहीद हुए, ये शहीद हो गए। ये अमृत को प्राप्त होकर आरसीबी में लीन हो गए। ओ मत, वो देखो कैसे रो रहा। अरे वो धोनी के लिए रो रहा बेचारा। और तो ये भी तो रो रहे हैं। ये रोहित वाले इनकी जली पड़ी, इनके अंदर तो दुनिया हिल गई है इसलिए रो रहे हैं। जली नहीं पड़ी, तुमने इस बार चीटिंग करके आईपीएल जीता, सब अंपायर खरीदे थे तुम लोगों ने। दो अब नहीं तो क्या, रोहित LBW कभी आउट नहीं होता, उसको दे देते। वो मार रहा छक्का, दे रहे चौवा, सब ना इंसाफी करे हो तुम लोग। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, ये देखो इतनी मुश्किल से संघर्ष करके आईपीएल जीता एक, बता रहे चीटिंग करिए, मतलब सब मेहनत पानी हो गई। ऐसा पानी बीच में चाचा जाग जाएंगे। अंबानी अंपायर खरीदता है। हाँ। अंपायर सब खरीदते हैं। क्या खरीदता है? बस 500 की पत्ती पकड़ाओ, जिसको मन आउट करवाओ। यार ये क्या बोला भाई? नहीं तुमको कैसे पता 500 की पत्ती पकड़ाओ? कैसे पता? हम सब जानते, किसी को भी आउट करो हम सब जानते। कह रहे हैं तुम लोग मैच देखते हो, हम मैच की बारीकियां देखते हैं। ओए होए क्या बात की है, क्या बात की है। वाला होता है बाल को आगे बढ़ा देते हैं VFX से, डीप कह दिया। वहां जनता चिल्लाती ओ, ओ। यहां आवाज आती हो, वो तो हैया है। क्या हैया है? हैया छोड़ो, वो आउट होने टाइम स्कैनर नहीं आता, DRS के टाइम, थर्ड अंपायर के टाइम। हां तो, हां तो इसलिए होता, जो ज्यादा पेमेंट कर दे फैसला उसी के पक्ष में। हम तो पहले ही कह रहे थे जो घुसे रहते हो मैच में, मैच खाने को नहीं दे जाएगा, खाने को नहीं दे जाएगा मैच, खाने को नहीं। फिर भी हम इतना कहेंगे कि पहले चीटिंग नहीं होती थी, इस बार पेल के हुई है, वरना आरसीबी कभी जीत नहीं सकती। बेटा आरसीबी वो टीम है जिसने 263 ठोके हैं, औकात है। हां औकात है, रोहित 264 ठोक चुका अकेले। जानते हैं आईपीएल में दो तीन हार्ट अटैक आएंगे, यही यही खा लेना जाके। हाँ तो विराट के तरीके टेस्ट मैच थोड़ी ना खेलता T20 में। वो बोल रहा जिसका रोहित खाली फ्लैट पिच पे खेल पाता है, तभी 49 पे आला उठ जाती है RCB। बेटा कोहली के पास सबसे ज्यादा 100 है, 100 का डाल ले वो 4, हमारे पास ट्रॉफी तुमसे ज्यादा 4। रोहित बड़ा पाव खाता, कोहली बड़ों को गरियाता है। कोहली के सबसे ज्यादा रन, रोहित की सबसे ज्यादा ट्रॉफी। सब अंबानी दिलवाई, लहरा लिया मुंबई चेन्नई बैंगलोर दिल्ली सब। वो देख ज्ञानी बाबा बैठे, सही तो बोल रहे। कोलकाता भी, कोलकाता भी, हाँ कोलकाता भी सबका झंडा। हैदराबाद भी, हैदराबाद दिल्ली बोलो, तिरंगे का समय है। आए हाय हाय क्या बात बोली है। झगड़े हम सब खूब यहाँ, झगड़े सारे बंद, मिलने का समय है। विश्व पटल पर एक बार फिर खिलने का समय है। ओहो हो, खिलने का समय, खिलने का समय। हाँ यार रोहित भाई क्या वीडियो बनाई है यार, जितवा दो यार, राष्ट्रीय फूड वड़ा पाव करा देंगे। सॉरी विराट भाई फॉर्म में हो, अच्छी बात है, मिलके जीतेंगे सब लोग। अब तो वर्ल्ड कप लाना है, WTC खेलना है। आओ इधर सब लोग आओ,
लाई लाई माफ करो, पुच्ची लेके बात करो। क्या करो? क्या करो? पुच्ची लेके पाप करो। दोबारा भाई ये तो बनता है क्योंकि हम तो कुछ और ही बोलते थे। कप लाना है, WTC खेलना है। आओ इधर सब लोग, आओ इधर, माफ करो, आओ इधर सब लोग, पुच्ची लेके बात करो। पुच्ची लेके चैनल सब्सक्राइब किया है? मेक जोक ऑफ एमजे को चैनल सब्सक्राइब किया? ऑफ कोर्स। अरे हट सौरभ भाई, देख लो यार क्या कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल, आई सिंपली लव्ड इट। बहुत सारी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी स्टार्टिंग में, वो IPL का जो होता है, मतलब कौन सी कौन टीम में है, हम दोनों हाँ नहीं, बट बहुत ही प्यारा डायलॉग बाजी। और जो उसके थे ना, वो जो रेड टी शर्ट वाला बंदा है, बिंदु वाला, ठीक है, वो क्या डायलॉग मारे हैं उसने यार, एपिक एपिक। हाँ मुझे तो याद भी नहीं रहे, बट उसने वो जो शेरो शायरी किया ना विराट के ऊपर, मैं कह रही हूँ अगर ये विराट वीडियो देखेगा तो वो कितना प्राउड फील होगा ना। मतलब ऑब्वियसली उनके रियल टाइम में भी तो ऐसे फैंस होंगे, बट हाँ ऑफ कोर्स देखने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब अच्छी बात है। और वो धोनी वाला क्यूट एलिमेंट, वो भी एक बड़ा क्यूट बच्चा था। बट ये बात तो सही है, देखो ये दिल्ली विल्ली ये ठीक है, ये मजा आता है, एक वो फन आता है कि कंपटीशन है, बट एक्चुअली तो इंडिया ही है ना, तो वो IPL की वजह से लोग एक्चुअली सीरियसली लड़ पड़ते हैं, पता है, सीरियसली मैंने देखा। हाँ मैं एक बार पिछले वाले IPL की बात बता रहा हूँ, एक बार बैठा था वहाँ पे, लोग लड़ पड़े सैटरडे को, आपस में लड़ाई वड़ाई हुई, बाहर बंद कर दिया उन्होंने एक घंटे के लिए, लोगों को बाहर निकाला। मेरे को तो ये याद है, मैं आपको बताती हूँ, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, वी वर नॉट मैरिड, नहीं नहीं है ना, तो माय ब्रदर वाज मैरिड एंड वो उसके घर पे, हम लोग दोनों हम वहीं थे और हम उसके घर में IPL देख रहे थे। तो मेरे साथ बचपन में ये हुआ है कि आई वाज अ बिग फैन, वर्ल्ड कप, तो मेरे साथ बचपन से ये हुआ है कि मैं ना बहुत बड़ी क्रिकेट की फ़ैन थी, जब अजय जडेजा और ये लोग खेला करते थे, ठीक है, 11-12 तक हम स्कूल मिस कर करके, अगर इंडिया का मैच आता स्कूल मिस है उस दिन, कुछ भी बहाना मार के, ये वाला सीन था मेरा। बट उस टाइम इंडिया इतना गंदा खेलती थी, मतलब सॉरी टू से कि वो फॉर्म में नहीं होते थे, जो बड़ी जल्दी आउट हो जाते थे, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, बैक टू बैक हारते थे हम, तो मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरे ये था, हाँ जो टोटका था मेरा, कि जब भी मैं इंडिया का मैच देखती हूँ तो इंडिया नहीं जीतता। तो वर्ल्ड कप हुआ, मैंने इनको बोला वर्ल्ड कप देखो तुम अंदर बैठ के, दरवाज़ा बंद कर लो, ठीक है, और गर्मियों का टाइम था, मैंने कहा AC चला के दरवाज़ा बंद कर लो, मैं एक काम करती हूँ, मैं पार्टी की तैयारी करती हूँ। तो मैंने राजमा चावल ये वो अल्टम बल्टम मैं सारा टाइम वही बनाती रही, जितनी भी देर ये मैच देख रहे थे, ठीक है, और बस मुझे ये बताते थे हाँ अभी तो उनकी बैटिंग हो रही है, उनकी बॉलिंग हो रही है, बस इतना बताते थे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो मैच जैसे ही इंडिया जीती है, वर्ल्ड कप जीती थी, हाँ मैं कह रही हूँ इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, और हमने वो एक जो रात जी है ना, गाड़ी निकाल के हम इंडिया गेट की तरफ एपिक गए थी, और मतलब पूरा दिल्ली मेरे को लगता है सेम फीलिंग में था कि ओए होए क्या कर दिया हमने यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड अंडरडॉग टीम और जीत गई, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, वी हैव एक्चुअली बिकॉज ऑफ द टीम वी हैव लिव्ड दैट मोमेंट उस रात। हालांकि हम उतना, मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूं, कोई भी नहीं है यार, उस दिन एक्चुअली में वो फीलिंग आई थी। हम लोग निकले गाड़ियों में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये स्टोरी बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ओके, ही इज ड्राइविंग माई, और हमने क्या किया घर में, मैंने निकर पहनी, टी शर्ट पहनी है, गर्मियों का दिन मैं बता रही हूँ ना, ऐसे गंदे कपड़े, मतलब किसी को कोई किसी को कोई होश नहीं है। हाँ हाँ, एक साल हुआ था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हुए पैसे मिला के गाड़ी ली थी, हाँ देखा ट्रस्ट देख, तो उस गाड़ी में हम बैठे, ठीक है, और उस गाड़ी में हम निकल गए इंडिया गेट, बिकॉज वही है ना कि सेंटर ऑफ मतलब वही होता है देशभक्ति की जो फीलिंग आती है लास्ट में, जो इन्होंने वो इमोशन जगाया वैसा इमोशन मेरे को लगता है पूरी दुनिया में था। तो अब हो क्या रहा है, सीन ऐसे हैं कि अभी आप CP भी नहीं टच कर रहे हो और जाम है इतना तगड़ा, क्योंकि पूरे कोनों से लोग दुनिया में, दुनिया इंडिया गेट ही आना चाहती है, ठीक है, पुलिस वहाँ आ चुकी है, उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, अब जाम हो चुका है, गाड़ी मुड़ने की भी जगह नहीं है, ठीक है। इस भसड़ में लोगों ने गाड़ियां पार्क कर लिया, लोग पागल हो रहे हैं, चीके मार रहे हैं, सड़कों पे ढोल बज रहे हैं, डांस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि एक पूरे देश, हाँ पूरा देश मिलके, मतलब किसी फेस्टिव पे भी एक साथ इतने सारे लोग, इतना मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, आई हैव लिव्ड दैट मोमेंट एंड दैट इज अ वेरी स्पेशल नाइट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद हमने क्या किया है, अब हमें भी जोश, हम भी कुछ करना चाहते हैं, गाड़ी पार्क होगी साइड पे, हो क्या रहा है, हम गाड़ियों की खिड़कियों पे चढ़ चुकी हैं और ढम 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 ये वो, और जो आ रहा है जा रहा है ना,
बिकॉज वी आर फीलिंग द सेम एनर्जी, सेम फ्रिक्वेंसी पे हो ना, एक तरह से सेम फ्रिक्वेंसी पे है ना. लोग एक दूसरे के साथ सेल्फियां खींच रहे हैं, पता नहीं किस किस के साथ हमने फोटोएं खिंचवाई हैं उस दिन. याद है तेरे को कैसे हम ग्रुपों में घुस घुस के डांस कर रहे हैं? वो इमोशन की वजह से, मतलब यू आर फीलिंग सो कनेक्टेड. मेरी चप्पल गुम हो गई भसड़ में, मेरे को याद ही नहीं, मैं नंगे पैर, और मेरे पास जो बियर पड़ी थी मैंने वो उड़ा दी पीने के बजाय. जो बियर गर्म गाड़ी में पड़ी होती है ना, जैसे एक दो बोतलें, उसने वैसे वैसे करके वो उड़ा दी. मतलब क्या मजे आए. मतलब हमें दो तीन घंटे तो हम अटक गए थे उसी चक्कर में, यू टर्न. हाँ, दो तीन घंटे तो हम वहीं अटक गए थे, बट जो हमने जिया है ना वो मोमेंट, मुझे रियलाइज हो गया कि यार अगर एक इमोशन जो इतना स्ट्रांग होता है ना, जैसे हम नेगेटिविटी और वो सब तो बहुत देखते हैं, दंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बट वो एक इमोशन था जो बहुत ही बढ़िया था यार. मतलब मजा आ गया. दिल्ली तो ऐसे हो गई ना कि भैया ले, बच गया इसका फोन, सॉरी आ गया इसका डिलीट. पक्का कोई वो होगा, मैडम आपका वहाँ से नाइका से पार्सल आया है. रॉन्ग नंबर है. दीपक कुमार वर्मा के यहाँ से खत्म करते हैं, हो गया है. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. मिलते हैं, बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.